अनुभव ही करने वाली बात है। जैसे अजय चक्रवर्ती जी बोल रहे थे ना कि जो रियाज करके वो अनुभव करने वाली बात है, रियाज करके क्या हो सकता है, मैंने वो एक्सपीरियंस किया। वो वैसे ही ये है कि यहाँ जब तक हम बैठेंगे और सुनेंगे नहीं, एक बड़ा काश है जो हमारे सामने बड़े आगे से आप अच्छे अच्छे उनको बुलाते हैं जो उनको जुलाते हैं, राइट। और मतलब मुझे बहुत सख्त जरूरत की जो है यहाँ से ना वो रिमाइंडर के तौर पर, हम अपने आप भी करते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी उनको रिमाइंडर चाहिए। तो आज जो बातें थी रिमाइंडर थी क्योंकि कितनी बातें मुझे ऐसे लगा कि गुरु जी कह रहे हैं हमसे। I'm very proud and we are very excited to have our most revered guru and exponent of Indian classical music, Pandit Ajay Chakravarti ji. Thank you, Pandit ji, so much for accepting our invitation. I have no words to introduce him. He's well known. And I just wanted to add that he is the youngest maestro that we have invited for Anubhav. So yes, so this means that we are only going towards the generation next. So he is a multifaceted artist, we all know, as an exponent of Indian classical vocal musician. He continues to enthrall his audiences all over the world. As a guru and a teacher, he continues to nurture and inspire many students, preparing them for the world stage. As a composer, lyricist, he continues to weave magic in the world of film and other media. So he plays all these roles very deftly, and in spite of his busy schedule, he's taken this time out for us. We are very thankful to you, Panditji. Thank you so much. The stage is all yours. I just wanted to introduce the musicians who are accompanying him. Pandit Vaishnav ji, Yashwant Vaishnav ji, Pandit Ajay Joglekar ji on tabla, and his students Meher and Ayesha ji. So please, Pandit ji, we are all waiting so that you can share your life stories, your anubhav with us. Thank you. सबसे पहले मेरा प्रणाम हरि जी को, भाभी जी को, बहन जी को, सबको जो कि हमसे सीनियर है। माई प्रणामस टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले बोलना चाहता हूँ कि मैं तो माइस्ट्रो कभी नहीं था, कभी नहीं हूँगा, और यंग माइस्ट्रो नहीं, यंग स्टूडेंट ऑफ म्यूज़िक। मैं संगीत की एक छात्र हूँ। और यहाँ सुरेश जी भी बैठे हैं, सुरेश भाई, और सभी लोग बैठे हैं। हमारा राकेश भाई बैठा है, हमारे गुरु भाई और फेमस रेस्पेक्टेड तबला प्लेयर पंडित अनिंदो चटर्जी है, उनका साहबजादे है। और सबको मैं शायद देख नहीं पा रहा हूँ, जिनको देख नहीं पा रहा हूँ उनके लिए, उनके पास मैं माफ़ी मांगता हूँ कि आपको देख नहीं पा रहा हूँ। पहले तो मैं बोलूँगा कि मैं सन 78 में ITC के संगीत रिसर्च अकेडमी में ज्वाइन किया था एज द फर्स्ट स्कॉलर ऑफ इंडियन म्यूजिक, जब शुरू हुआ था। और सन 79 में मैं पहले एक कलाकार को देखा, हिंदुस्तान के प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, सन 79 में। उसके बाद मेरा उनके साथ रहने का, उनको देखने का, उनके साथ एक साथ एक ही स्टेज में प्रोग्राम करने का करीब 100 तो होगा, उससे कम नहीं होगा ये। और देखा, दो चीज़ मैं बोलूँगा जो मैं देखा। कलकत्ते के पास एक जगह है मेदिनीपुर में, वहाँ देवी प्रसाद गौरगो करके एक कलाकार थे, उनके पास आके बड़े बड़े सब लोग रहते थे,
तो उनसे पूछते थे वो कि रियाजी कलाकार आपको कौन लगता है, तो बोले अगर कोई रियाज करता है हिंदुस्तानी संगीत में वो है कसूरे गुलाम अली, मतलब बड़े गुलाम अली खान साहब रियाज का एग्जाम्पल देते थे कि ऐसा रियाज किसी ने नहीं किया। ये सुन के मैं धीरे 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 बड़ा हुआ कि रियाज कैसे होते हैं। उसके बाद लिविंग कलाकार में देखा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को, जो कि 24 घंटा रियाज करने वाले हैं, मैं ऐसे किसी को नहीं देखा। और एक साथ हम अमेरिका जा रहे थे सन 85 में फेस्टिवल ऑफ इंडिया, मैं शिवजी किचलू साहब डॉक्टर बालमुरली जी हरि जी सभी लोग हम एक साथ जा रहे थे। वहाँ मैं देखा कि मुंबई में फ्लाइट जैसे टेक ऑफ किया तो हरि जी बांसुरी निकाल के एक रुमाल लगा के रियाज करना शुरू किया। लंदन तक कांस्टेंट 7.5 घंटा किया, फिर लंदन से फ्लाइट छुट्टी न्यूयॉर्क गए 6.5 घंटा रियाज किया, एक सेकेंड भी नहीं बैठा। मैं उनको देखा और ये भी देखा कि जिस फ्लाइट से हम लोग वापस आए, एक साथ सफ़र कर रहे थे, ये भी देखा कि मुंबई में उत्तरी फ्लाइट से सीधा स्टूडियो जाके वहाँ 5 घंटा लता जी के साथ बजाने से पहले रियाज किया। ऐसा भी हो सकता है, ये मेरे ख्याल से आज यहाँ बैठ के जो बात कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, क्योंकि रियाज जो है हम लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है, गाड़ी भी है, फ्लाइट भी है, बिजनेस क्लास भी है, केवल एक चीज़ नहीं है, रियाज का वक्त। आज रियाज का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी 70 होने जा रहा हूँ, यंगेस्ट छात्र हूँ, मास्टर नहीं, तो मैं वो देख के फिर मैं भी 7-8 साल 13-14 घंटे करके रियाज किया। माय इंस्पिरेशन वाज सुना हुआ बड़े गुलाम अली खान साहब, जिनको कभी एक दफ़े देखा मिला नहीं, और लिविंग हरिप्रसाद चौरसिया जी। हमारा रियाज का जो कुछ हमने इंस्पिरेशन मिला शुरू में वो हरिप्रसाद चौरसिया जी, हमारे हरि जी। शुभंकर बैनर्जी जो तबला बजाते थे बेचारे हमें छोड़कर चला गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं नागपुर गया था गाने के लिए, तब शुभंकर ने डिसाइड किया था कि तबला छोड़ के वो गाना गाएंगे, तबला छोड़ ही देंगे, बजाएंगे नहीं। तो फिर संगीत रिसर्च अकेडमी में आए थे, और इसीलिए आए थे कि SRM में स्कॉलर बन के वो मेरे पास गाना सीखेंगे, तबला छोड़ देंगे, क्योंकि 300-400 रुपया में तब चलता नहीं था उनका, ये क्वाइट नेचुरल। बोल रहे दादा हमें तबला बजाबो ना, क्यों? बोले ना आप मुझे गाना सिखाइए, मेरे माता जी काजल रेखा जी, उनके माता जी उनके नाम पे प्रोग्राम भी करते हैं, शुभंकर करते थे। तो माँ ने बोला कि तुम जाओ दादा के पास, जाके आज से गाना सीखना शुरू हो जाओ। तो फिर मैं गाना सुना, ITC संगीत रिसर्च अकेडमी में उसका बाकायदा ऑडिशन हुआ, ऑडिशन में पास किया। करने के बाद गाना जब शुरू होगा, तब एक दिन मैं बोला कि तुम्हारा तबला तो मैं नाम बहुत सुना कि तुम बजाते हो, सलील शंकर जी वो स्विट्जरलैंड में रहते थे उनके साथ बजाते थे, तो मैं तो सुना बहुत कि तुम तबला अच्छा बजाते हो, एक दफ़ा बजाओ ना। बोले ठीक है आपके साथ बजाऊँगा, क्योंकि हमें वो बहुत ही मानते थे। उस जनरेशन में शुभंकर, फिर तेजेन, कुशल, विक्रम, तन्मय, ये हमारे साथ बहुत ही ऐसा रिश्ता था कि वो हमारा उनका प्रोफेशन करीब करीब हमारे हाथ में शुरू हुआ है। पहला रिकॉर्ड HMV में मैं बोल दिया कि तेजेन को करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा रिकॉर्डिंग नहीं होगा, तो उसी कहना पर तेजेन का रिकॉर्डिंग हुआ। इस तरह बहुत सब लोगों से, तो फिर शुभंकर को मैं नागपुर लेके गया, फिर तबला उन्होंने बजाया। मैं बोल कि नहीं तेरे को तबला ही बजाना पड़ेगा, गाना ठीक है तू गाना भी बहुत अच्छा गाता था वो,
और हरी जी से ज़्यादा किसी को मालूम नहीं होगा, क्योंकि जब नागपुर गए तो मेरे साथ बजाने के बाद हरी जी बैठ के सुन रहे थे प्रोग्राम मेरा गाना। तो गाने के बाद बोले कि ये लड़का आई छिलटा के कोथाए पेलेन कहाँ मिला, तो मैंने बोला कि कलकत्ते में रहता है, बोले इसको हमें दे दीजिए। दैट इज़ हाउ शुभंकर केम इन टू क्लोजर कॉन्टैक्ट ऑफ हरी जी। तो मैं उनको छोड़ दिया, क्योंकि आपके साथ प्रोग्राम नहीं हो रहा है, तुम जिनके साथ हो तुम्हारा ज़िंदगी का कोई चिंता नहीं है, तुम के साथ रह जाओ। फिर मैं जब टूर जाता था शुभंकर, मेरे ख्याल से इतना टूर शायद कोई तबला प्लेयर हमारे देश में शायद किया नहीं। अनिंदो भी बहुत सफ़र किया मुझे मालूम है। मैं पूछता था कि तुम्हारा टूर कैसा चल रहा है, बोले हमारे साथ तो बात होता ही नहीं, एक कमरे में बैठ के सारी रात हरी जी रियाज करते हैं। तब भी बाहर जाके भी आप तो सब जानते हैं, मगर तब भी मैं पूछता था कि उस वक़्त तो किया था, उसके बाद क्या। तो खैर बात यह है कि कुछ अपना ज़िंदगी का शेयर करने का बात हो रहा है, तो मैं बोलूँगा कि पूरी भारत के जितने छात्र हैं सबको जानना चाहिए कि रियाज से क्या होता है। ऐसा भी हुआ कि हरी जी प्रोग्राम करने बैठे इलाहाबाद में, स्टेज में आग लग गया, प्रोग्राम बंद। फिर दूसरे दिन दूसरी जगह पंडाल तैयार हुआ, राजीव दावे थे इलाहाबाद में, उन्होंने नए पंडाल बनाया और उसमें दो ही आइटम, उनका वजन बांसुरी और मेरा गाना। तो ऑब्वियस मैं पहले गाऊंगा फिर बाद में हरी जी गाए बजाएंगे। तो ऐसे ऐसे समय साल में एक महीना डेढ़ महीना हम लोग एक साथ रहते थे। और हरी जी का एक मुझे याद नहीं है कौन सा ईयर है, 365 डेज में 400 प्रोग्राम्स किया था उन्होंने, उनके डायरी में लिखा हुआ है, उनका एक डायरी भी मैं देखा था। और मैं जो बात कर रहा हूँ उनके सामने ही कर रहा हूँ। ये बहुत लोग जानते हैं कि हरी जी बहुत प्रोग्राम करते हैं, मगर ये शायद नहीं जानते थे कि 365 डेज में 400 प्रोग्राम्स हरी जी किया है। तो उनका लाइफ, उनका नाम, दादा अवतार है तो हर जगह वो नहीं होंगे, इनका कोई अवतार इसलिए 400 कर सके। हाँ बिल्कुल 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 सही बात। और जो एक जिसको बोलते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये म्यूजिक में बहुत कम होता है, नहीं होता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो बोलते हैं ना कि एक साथ सब करेंगे, चलो ठीक है, हाँ ठीक है, क्या बात है, चलो ठीक है, ऐसा एटीट्यूड मैं जो इनसे इनके पास देखा किसी दूसरे में नहीं देखा। क्योंकि मेरा बहुत सौभाग्य हुआ ITC संगीत रिसर्च अकेडमी में रहने के लिए, मैं निसार हुसैन खां साहब, हीराबाई बोरदेकर सब मेरे गुरु है, मैं सब के लिए प्रणाम करके बात करता हूँ। इश्तियाक हुसैन खां साहब, KG गेंडे जी, इन सब के साथ काफ़ी समय मुझे मिला सीखने के लिए, देखने के लिए। हीराबाई बोरदेकर जी के पास भी मैं करीब 1.5 साल 2 साल थे, मैं हर रोज़ जाके बैठता था। मेरे माता जी हिंदी समझते नहीं थे और हीराबाई बोरदेकर बांग्ला नहीं समझते थे, 3 घंटा बातचीत होता था दोनों में, क्या होता था जब भी घर वापस आया देखा कि दोनों बैठ के बात कर रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा तुम क्या बात कर रहे, बोलछी उन्हें खूब भालो भाषे के माँ बोल रहे। तो ये मैं देखा, तो ये ऐसा ज़माना मैं देखा, बहुत ही सौभाग्य है। निसार हुसैन खां साहब बहुत अच्छी तरह बात शायद करते ही नहीं थे कभी, इतना गुस्से में थे निसार हुसैन खां साहब। खैर तो इन सब के साथ दोनों जने को देखा मैं, एक शिव कुमार शर्मा जी, मैं पंडित शब्द नहीं बोलता हूँ, आजकल पंडित इतना हो गया ना, इनको पंडित शब्द नहीं बोलना चाहिए, तो पंडित शब्द को ज़रा असम्मान होता है। ऐसे जब
दिन जा रहा था तो मैं हरि जी से बहुत पूछता था कि एक संस्था बनाने का मुझे इच्छा है, मैं कैसे करूँ। बोले आप स्पॉन्सर को ढूंढना पड़ेगा आपको। बहुत दफ़े उन्होंने मुझे, मैं उनको सजेशन देते, तब तक ये बन रहा था, कुछ बन भी चुका था, मैं पूछ रहा था कैसे करूँ। और बंगाल एक फिनेंशियली बैकवर्ड जगह है, वहाँ कुछ करना बहुत मुश्किल है। तो अनिंदो को मालूम है कि मैं जो छोड़ने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत ही मेहनत करने के लिए तैयार था हमेशा। तो किसी तरह बना है और वहाँ करीब 1000 स्टूडेंट सीखते हैं। वो मतलब अभी भी कम नहीं हुआ कभी, और अनाउंस भी नहीं किया, कभी पब्लिसिटी भी मैं नहीं किया श्रुति नंदन का कि यहाँ स्टूडेंट लिया जा रहा है, आप आओ बैठो सीखो, कभी नहीं। मगर भगवान की कृपा से, ऐसे कलाकार की आशीर्वाद से स्टूडेंट्स का नंबर कम नहीं हुआ, सब सीखते हैं आते हैं। तो मैं इसी तरह चल रहा था तो मैं सोचा कि जब स्कूल बना है, एक साल हुआ था, तो मैं माँ अन्नपूर्णा माँ जी से मिलने आए एक दिन आशीर्वाद देने के लिए। क्योंकि हमारे देश में अगर सक्सेसफुल गुरु, सबसे सक्सेसफुल गुरु देखा जाए तो हमें दो गुरु मिला है, एक बाबा अलाउद्दीन खां साहब, एक गुरु ज्ञान प्रकाश घोष। इतना सक्सेसफुल गुरु कि इन्यूमरस नेशनल इंटरनेशनल लेवल के शागिर्द इन दोनों ने तैयार किया, और खुद परफॉर्मेंस को कभी सामने नहीं रखा। तो बाबा तो नहीं थे, तो मैं सोचा कि उनका पैर का धूल अगर मुझे ना टच होगा तो श्रुति नंद खड़ा नहीं होगा, तो मुझे जाना है उनके पास। किसी से मिलते नहीं थे, अब तो जानते हैं। तो आके मैं बेल बजा रहा हूँ, कुछ जवाब नहीं है। करीब 7-8 मिनट के बाद एक लेडी आके दरवाज़ा खोला, मुझे लगा कि वो शायद इस घर में काम वाम करते हैं, पता ही नहीं था वो माँ खुद थे, स्वयं थे। तो फिर उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया, तो फिर पता चला कि वही माता अन्नपूर्णा जी है। एक तो नाम माता अन्नपूर्णा, इंसान भी ऐसे ही है, और क्या बताऊं। तो बैठे, फिर मुझे पोहा और कुछ उन्होंने खाने के लिए दिया, तो मैं बैठा, बैठ के मैं उनको देख रहा हूँ कि लगता है कि मैं बाबा को देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि देख रहा हूँ मैं उनको। आप लोगों में शायद बहुत कम लोगों ने उनको देखा है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। और एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं बोलूँगा। तो मैं उनको बोला कि बाबा हमारे लिए जीवित भगवान है, और बाबा अलाउद्दीन खां साहब जैसे खुद को नहीं कभी देख के, ऐसा ऐसा मैं घटना बाबा अली अकबर खां साहब से सुना रिगार्डिंग अलाउद्दीन बाबा से, बाबा के बारे में। तो हमेशा उनको जो सपने का, जैसे सपना जैसे एक इंसान होता है, जैसे इस जनरेशन में मैं उसके बाद एक आदमी को देखा, बहुत नज़दीक से देखा, बहुत करीब से बहुत दफ़े देखा, वह है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी। वो जिस किस्म का आदमी थे और जैसा उनका एटीट्यूड था, ये इस जनरेशन में असंभव है, सिंपली इम्पॉसिबल। कैसे वो ऐसा इंसान थे, ये सपना है। तो इसी तरह मतलब पुराने ज़माने में बाबा ऐसे ही इंसान थे कि केवल बांटो और खूब मारो। आर्यभूल बाबा को तो ऐसा मारा, खैर अभी तो मार तो जिनको पढ़ाओ कलाकार बन गए सब। तो मैं माँ से जब मिला तो बातों बातों में हरि जी के बारे में बात हुआ। मैं बोला कि आप तो ऐसे ऐसे लोगों को सिखाया, और हरि जी को ऐसा सूर मैं किसी कलाकार में सुना नहीं, ऐसा सूर। मेरे गुरुजी बोलते थे ज्ञान बाबू कि हर सुर के अंदर एक सुर होता है,
बाहर का सूर्य जो है वो तो है, उसके अंदर एक सूर होता है, वो सूर अगर किसी ने सुना है तो ये हरि जी क्या अंदर का सूर किसी किसी को मिलता है, अगर मर भी जाए वो नहीं आता है, किसी किसी को आप थोड़ा समझ में आता है कि क्या सुना। उस समय तो सुन के पागल हो जाते थे, रात भर में सोया नहीं, हरि जी का कुछ राग सुना, झीझोटी सुना, बागेश्वरी सुना, करीब 30-40 राग तो उनसे सुना ही है, 50 राग या 40 राग होगा, और कम से कम 100 प्रोग्राम, जहाँ ही प्रोग्राम उनका प्रोग्राम होता था, मेरा गाना होता था तो मैं बैठ के उनका सुनता था, और ज़्यादा प्रोग्राम जाकिर भाई के साथ ही होता था, कभी कभी आनंद गोपाल बंदोपाध्याय भी बजाते थे। और हरि जी मतलब कोई फर्क नहीं है, जो यहाँ ठीक है, ऑलवेज एक्सेप्टेंस, ये उनसे सीखना है, एक्सेप्टेंस और सूर।